हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन तीन क्वेश्चंस का आंसर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भक्तिकालीन युग एवं परिवेश पर निबंध लिखिए। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे कि भक्तिकालीन युग भारतीय संस्कृति और इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि है जो 8वीं से 17वीं शताब्दी तक फैली हुई है। इस युग में भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। फिर हम हेडिंग डालेंगे भक्तिकालीन युग की परिभाषाएं। फिर इसमें फर्स्ट हेडिंग होगी भक्ति आंदोलन। तो इसमें हम लिखेंगे कि इस युग में भक्ति आंदोलन ने जन्म लिया जिसका उद्देश्य भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट हेडिंग होगा संतों और महात्माओं का योगदान। इस युग में कई संतों और महात्माओं ने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिनमें कबीर, मीराबाई और गुरु नानक देव जी प्रमुख हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग है साहित्य और संगीत। तो इसमें हम लिखेंगे कि इस युग में साहित्य और संगीत का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें भक्ति गीत, कविताएं और संगीत की रचनाएं शामिल हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग होगा समाज सुधार। तो इसमें हम लिखेंगे इस युग में समाज सुधार के लिए भी कई प्रयास हुए, जिनमें जाति प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाना और स्त्री अधिकारों की लड़ाई शामिल है। फिर नेक्स्ट हेडिंग होगा भक्तिकालीन युग के परिवेश में भक्ति आंदोलन का प्रभाव। तो इसमें हम लिखेंगे धार्मिक एकता, फर्स्ट हेडिंग, भक्ति आंदोलन ने धार्मिक एकता को बढ़ावा दिया और भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण को बढ़ाया। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा सामाजिक समरसता। तो इसमें हम लिखेंगे इस युग में सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया गया और जाति प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा सांस्कृतिक विकास। तो इसमें हम लिखेंगे भक्तिकालीन युग में साहित्य, संगीत और कला का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसने भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा निष्कर्ष। तो इसमें हम लिखेंगे कि भक्तिकालीन युग भारतीय संस्कृति और इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि है, जिसने भक्ति आंदोलन के माध्यम से धार्मिक एकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया। इस युग के संतों और महात्माओं ने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ावा और भारतीय समाज को आगे एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आदिकाल की प्रतिनिधि रचनाओं को केंद्र में रखकर आदिकाल पर निबंध लिखिए। तो इसमें हम लिखेंगे आंसर में कि आदिकाल भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण कला है, सॉरी काल है, जो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक फैला हुआ है। इस काल में साहित्य, कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण विकास हुआ। आदिकाल की प्रतिनिधि रचनाओं में महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक गीत और नाटक शामिल हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग है हमारा आदिकाल की प्रमुख रचनाएं। तो फर्स्ट हेडिंग हो जाएगा महाभारत। यह एक महाकाव्य है जो भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रामायण नेक्स्ट हेडिंग होगी। यह एक महाकाव्य है जो भगवान राम की कहानी को बयां करता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी भरत का नाटक। यह एक नाटक है जो भरत की जीवन को बयां करता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी कालिदास के नाटक। इसमें हम लिखेंगे कि कालिदास एक महान नाटककार थे, जिन्होंने कई नाटक लिखे, जैसे कि अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूतम। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा तुलसीदास की रामचरितमानस। यह एक महाकाव्य है जो भगवान राम की कहानी को बयां करता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा आदिकाल की विशेषताएं। तो इसमें हम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे साहित्य का महत्वपूर्ण विकास। आदिकाल में साहित्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ, जिसमें महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक गीत और नाटक शामिल हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा कला और संस्कृति का विकास। तो इसमें हम लिखेंगे कि आदिकाल में कला और संस्कृति का भी महत्वपूर्ण विकास हुआ, जिसमें संगीत, नृत्य और चित्रकला शामिल हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग होगा धार्मिक और पौराणिक विषय। तो इसमें हम लिखेंगे कि आदिकाल की रचनाओं में धार्मिक और पौराणिक विषयों का महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे कि भगवान राम और कृष्ण की कहानियाँ। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा हमारा सामाजिक और नैतिक मूल्य। तो इसमें हम लिखेंगे कि आदिकाल की रचनाओं में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे कि सत्य, न्याय और दया। फिर नेक्स्ट हेडिंग होगा निष्कर्ष। तो इसमें हम लिखेंगे
कि आदिकाल भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है जिसने साहित्य कला और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आदिकाल की प्रतिनिधि रचनाओं में महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक, गीत और नाटक शामिल हैं जो भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन कि रीतिकाल का परिचय देते हुए रीतिकालीन प्रवृत्तियों पर निबंध लिखिए। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि रीतिकाल एक साहित्यिक काल है जो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक फैला हुआ है। इस काल में साहित्यिक कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण विकास हुआ। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में श्रृंगार, वीर रस, करुण रस और अद्भुत रस शामिल हैं। फिर नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे श्रृंगार रस। तो इसमें हम लिखेंगे कि श्रृंगार रस रीतिकाल की एक प्रमुख प्रवृत्ति है जिसमें प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। इस रस में कवियों ने प्रेम के विभिन्न रूपों को चित्रित किया, जैसे कि प्रेम की उत्पत्ति, प्रेम की वृद्धि और प्रेम की परिणति। फिर नेक्स्ट हेडिंग होगा वीर रस। इसमें हम लिखेंगे कि वीर रस रीतिकाल की एक अन्य प्रमुख प्रवृत्ति है जिसमें वीरता और पराक्रम का वर्णन किया जाता है। इस रस में कवियों ने वीर पुरुषों की कहानियों को चित्रित किया, जैसे कि राजा और योद्धाओं की कहानियाँ। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा करुण रस। तो इसमें हम लिखेंगे कि करुण रस रीतिकाल की एक अन्य प्रमुख प्रवृत्ति है जिसमें करुणा और दया का वर्णन किया जाता है। इस रस में कवियों ने करुणा और दया के विभिन्न रूपों को चित्रित किया, जैसे कि मातृ करुणा, पितृ करुणा और आत्म करुणा। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा अद्भुत रस। तो इसमें हम लिखेंगे कि अद्भुत रस रीतिकाल की एक अन्य प्रमुख प्रवृत्ति है जिसमें अद्भुत और आश्चर्य का वर्णन किया जाता है। इस रस में कवियों ने अद्भुत और आश्चर्य के विभिन्न रूपों को चित्रित किया, जैसे कि प्राकृतिक सौंदर्य, कलात्मक सौंदर्य और आध्यात्मिक सौंदर्य। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा निष्कर्ष। तो इसमें हम लिखेंगे कि रीतिकाल एक महत्वपूर्ण साहित्यिक काल है जिसने साहित्य कला और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में श्रृंगार, वीर रस, करुण रस और अद्भुत रस शामिल हैं जो भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो दोस्तों ये थे इन क्वेश्चंस के आंसर। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।